हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरु जी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग ब्याज यानी सूद के पैसे का हिसाब करना सीखेंगे और वह भी बिल्कुल देसी तरीका से। जी हाँ दोस्तों, आप भी कभी ना कभी किसी को रुपया या तो ब्याज पर दिए होंगे या ब्याज पर रुपया लिए होंगे, लेकिन जिनको ब्याज का हिसाब करना नहीं आता अक्सर वह महाजन के द्वारा ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ठगी का शिकार नहीं होना है, इसके लिए आपको ब्याज अच्छी तरह से निकालना आना चाहिए। जो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक एक बार देख लीजिएगा तो आप अच्छी तरह से निकालना सीख जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो किसी से रुपया लिया जाता है ब्याज पर या दिया जाता है, तो इसी तरह से लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20,000 रुपया लिया गया है, तो 20,000 रुपया लिए हैं 3% दर पर और दिनांक लिख दिया जाता है, यानी किस डेट को लिए हैं। तो यहाँ पर हम मान लिए हैं आपको समझाने के लिए कि 10/2/2022 को लिए हैं और आज तक का ब्याज निकालना है, यानी आज 17 तारीख पाँचवा महीना 2023 है, आज तक निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि यह 10/2/2022 से आज तक रुपया लिए हुए कितना दिन हो गया है, यानी कितने वर्ष, कितना महीना, कितने दिन हुआ है, यह निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको आज का डेट लिखना है, यानी जिस दिन आप रुपया देने जाएंगे उसको, ब्याज का जो रुपया देने जाएंगे उस डेट को सबसे ऊपर लिखना है। ठीक है, तो आज मान लीजिए हम देने जा रहे हैं, तो आज कितना तारीख है, तो यहाँ पर 17 तारीख, यहाँ पर पाँचवा महीना और यहाँ पर 2023 को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी इस डेट को मान लीजिए हम देने जा रहे हैं, तो इसको सबसे पहले ऊपर लिख लिए और उसके बाद नीचे इसी डेट के नीचे लिखना है आपको, क्या लिखना है, यहाँ पर जिस डेट को आप रुपया लिए हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पर दिनांक 10/2/2022 को लिए हैं, तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 10/2 यहाँ पर 2022 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सिंपल जो जोड़ घटाव करते होंगे तो आप दाएं साइड से यानी इस साइड से करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेट का जो घटाव किया जाता है तो इस साइड से, बाएं साइड से यानी इस साइड से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस 17 में से 10 को घटा लेंगे, तो 17 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2023 में से 2022 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा, यानी 23 में से 22 घटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2023 क्या है, 2022 क्या है, तो वर्ष है, यानी यहाँ पर जो घटाए हैं यह क्या आया है, तो एक वर्ष आया है, और यहाँ पर पाँचवा महीना दूसरा महीना था, यानी माह है यह, तो 3 माह आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर दिन आया है। ठीक है, यानी अभी तक हमको रुपया लिए हुए 10/2/2022 से अभी आज के डेट तक कितना दिन हो गया है, तो 1 वर्ष 3 माह 7 दिन हो गया है, यानी इसी डेट तक हमको इतना दिन का हमको ब्याज देना है। तो वह कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दर को समझना है। देखिए यहाँ पर दर को, यहाँ पर 3% का दर है, 3% कहने का मतलब क्या है, यानी 3% का मतलब हो गया कि 3 रुपया का ब्याज लगेगा प्रत्येक 100 रुपया पर, कितना का, तो 1 माह का। ठीक है, यानी यहाँ पर मंथली ब्याज लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 3% का मतलब हो गया कि 1 माह में आपको प्रत्येक 100 रुपया पर, कितना रुपया पर, तो 100 रुपया पर आपको 3 रुपया का ब्याज लगेगा 1 माह का। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए अगर 4% का ब्याज रहता तो 1 माह का 100 रुपया पर कितना लगता, तो 4 रुपया का ब्याज लगता 1 माह का। ठीक है, तो यहाँ पर 3% है, तो प्रत्येक 100 रुपया पर आपको 1 माह का 3 रुपया ब्याज लगेगा। तो इतना कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जितना रुपया लिए रहिएगा यानी जितना मूलधन रहेगा उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20,000 रुपया लिए हैं, तो यहाँ पर 20,000 रुपया लिख देते हैं, 20,000 रुपया लिख लिए, और यहाँ पर जितना दर रहेगा उसको गुना कर देना है, 3% का दर है कि नहीं, यहाँ पर 3% से गुना कर देंगे, यानी 20,000 का 3% निकाल लेंगे। तो देखिए 20,000 का यहाँ पर 20,000 लिख दिए और गुना 3, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो बटा में इस तरह से 100 लिख देते हैं परसेंटेज की जगह पर। ठीक है, तो देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो आसानी से कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 200 और 3 है, तो 200 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो 600 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए यह जो 1 माह का आपका ब्याज निकल कर आ गया, कितना रुपया निकल कर आ गया, तो 600 रुपया निकल कर आ गया, कितना का, तो यह 20,000 रुपया का टोटल का आपका ब्याज निकल कर आ गया, 1 माह का ब्याज निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 600 रुपया निकल कर आ गया। ठीक है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पर तो 1 माह का निकलना नहीं है, क्योंकि जो आप रुपया लिए थे और आज देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल आपका कितना दिन हो गया है, तो 1 वर्ष 3 महीना 7 दिन हो गया है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि कितना माह हो रहा है, तो देखिए आप जानते होंगे कि 1 वर्ष बराबर कितना माह होता है, तो 12 माह होता है। ठीक है, और यहाँ पर 1 वर्ष ही आ रहा है, अगर मान लीजिए 2 वर्ष यहाँ पर घटाने पर आया रहता तो 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो यहाँ पर 2 वर्ष बराबर निकाल लेते, 2 वर्ष बराबर कितना हो जाता, तो 2×12 यानी 24 माह हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से करके निकालते, लेकिन यहाँ पर 1 ही वर्ष आया है, तो 1 वर्ष बराबर 12 माह, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 माह और है, तो इस 3 माह और को जोड़ देंगे, 3 माह को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 12 और 3 कितना हो जाएगा, तो 15 माह आ जाएगा। ठीक है,
15 माह, और यहाँ पर यह 7 दिन अभी बच गया है, तो 7 दिन का बाद में निकलते हैं, पहले माह का निकाल लेते हैं, यानी 15 माह का निकाल लेते हैं। तो एक माह का आपका 600 रुपया हो गया, तो 15 माह का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 600 में डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, तो 15 से गुना कर देंगे, तो 15 से गुना करेंगे, तो 15 में 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 15 छक 90 आ जाएगा, और यह 2 0 यहाँ पर बैठ जाएगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह कितना माह का ब्याज निकाल कर आ गया, तो 15 माह का ब्याज निकल कर आ गया। देखिए कैसे निकाले हैं, तो एक माह का जो ब्याज यहाँ पर 600 रुपया निकल कर आ गया है, तो 15 माह का निकालने के लिए, जब एक माह का 600 है, तो 15 माह का निकालने के लिए 15 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 9000 रुपया निकल कर आ गया 15 माह का ब्याज। अब देखिए यहाँ पर केवल 15 माह का निकल कर आया, यानी एक वर्ष 3 माह का केवल निकल कर आया। अभी यहाँ पर 7 दिन का और निकालना है, तो 7 दिन का कैसे निकालेंगे, तो 7 दिन का या कितना भी दिन का निकालना रहेगा, तो आपको इस तरह से मान लीजिए 7 दिन का निकाला है, तो 7 दिन लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक माह का कितना आया था, एक माह का यहाँ पर देखिए 600 आया था, तो 600 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और एक माह में जनरली कितना दिन होता है, तो 30 दिन मानकर चलते हैं, ऐसे तो 31 दिन, 28 दिन, 30 दिन भी होता है, अलग अलग महीने में अलग अलग दिन होता है, ठीक है। लेकिन जनरली यहाँ पर आपको ब्याज निकालते समय 30 दिन मानकर चलना है, तो यहाँ पर एक माह में 30 दिन होता है, तो 7 दिन का निकालने के लिए सबसे पहले एक माह का जो ब्याज था ना 600 रुपया, इसमें आप 30 से भाग कर देंगे, 30 से जैसे भाग करेंगे तो यह एक दिन का निकल कर आ जाएगा, और 7 दिन का निकलना है तो 7 से इसमें गुना कर देंगे, तो 7 दिन का निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए आपको 5 दिन का निकलना रहता, तो यहाँ पर एक माह का जो 600 है तो 600 लिख देते और 30 से भाग कर देते, क्योंकि एक माह में 30 दिन होता है, और 5 दिन का निकलना है तो 5 से गुना कर देते, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 3 से या 2 0 यानी 20 बार में कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, तो 20 और 7, 20 में 7 से गुना करेंगे तो 20 सते 140 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर 15 माह का ब्याज आपका निकल कर आ गया 9000 रुपया, और 7 दिन का निकल कर आ गया 140 रुपया, तो आपका यहाँ पर टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज हो जाएगा इस 9000 और प्लस 140 रुपया को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9140 रुपया हो जाएगा आपका टोटल ब्याज। यानी यह केवल ब्याज निकल कर आया, इतना 20000 रुपया का जो आपका इतना दिन रखे हैं उसका ब्याज केवल निकल कर आया 9140 रुपया, तो आपको टोटल रुपया कितना देना पड़ेगा, तो देखिए यह जो मूलधन था 20000 रुपया यह तो देना ही पड़ेगा, और इतना दिन जो रखे हैं उसका ब्याज है इतना रुपया, यह भी देना पड़ेगा। तो टोटल रुपया निकाल लेते हैं कि टोटल आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, टोटल रुपया कितना देना पड़ेगा, तो देखिए टोटल यहाँ पर सबसे पहले तो मूलधन है 20000, तो इस 20000 को यहाँ पर लिख लिए, 20000 लिख लिए, और प्लस यहाँ पर ब्याज है, ब्याज आया है 9140 रुपया, तो इसको भी यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 9140 तो जोड़िए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 29140 रुपया आपका आ जाएगा टोटल यहाँ पर ब्याज, यानी मिश्रधन, टोटल ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर इतना रुपया आप दे देंगे तो आपका कर्जा चुकता हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप एक ही क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ब्याज को कैसे निकालना है, सूद के पैसे का हिसाब कैसे करना है। अगर इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, यानी यहाँ पर मूलधन बदल जाएगा, यहाँ पर दर बदल सकता है, डेट बदल सकता है, तो सबसे पहले जिस डेट को आप देने जाएंगे उस डेट को ऊपर लिखेंगे, और जिस डेट को लिए हैं उसको यहाँ पर लिख कर नीचे घटा लेंगे, और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप किसी भी ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप ब्याज निकालना बहुत ही अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।